टॉपलेस के सीरियल झनक के अपकमिंग एपिसोड में हिबा नवाब और कुशाल आहूजा का ये नया लुक देखने को मिलेगा। अनिरुद्ध और झनक एक साथ नजर आ रहे हैं व्हाइट आउटफिट्स में। झनक किसी भी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है, या फिर कहें नूतन किसी प्रिंसेस से कम नहीं दिख रही है यहाँ पर। और उनके साथ मिस्टर अनिरुद्ध बोस भी नजर आ रहे हैं, जो ऑल व्हाइट लुक में काफी डैशिंग लग रहे हैं। अब झनक और अनिरुद्ध कितना भी साथ आ जाए, अर्शी और अनिरुद्ध की नजदीकियां देखने के बाद शायद रौनक को फैंस पहले जैसे ना देख पाए। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, दोनों ही मन्नत मांगने के लिए मंदिर भी पहुंचेंगे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा भी जाएंगे। और अनिरुद्ध उससे पूछेगा कि वो यहाँ क्या कर रही है, और नूतन बोलेगी कि क्यों वो मंदिर नहीं आ सकती। जिसके बाद वो दोनों मन्नत की बात करेंगे और अनिरुद्ध नूतन से उसकी मन्नत के बारे में पूछेगा। नूतन कहेगी कि मैंने तो आपसे आपकी मन्नत के बारे में नहीं पूछा, और अनिरुद्ध कहेगा कि वो अपनी वाइफ के लिए मन्नत मांगने आया है। नूतन कहेगी कि वो अपनी उस वाइफ के लिए मन्नत मांगने आया है जो इस दुनिया में नहीं है, और अनिरुद्ध कहेगा कि हाँ। फिर नूतन कहेगी कि पर आपकी शादी तो अर्शी से हुई है, और अनिरुद्ध उस पर भी हाँ भरेगा। फिर दोनों के बीच में एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन होगी, एंड फाइनली जब मंदिर से दोनों निकलने लगेंगे तो झनक अनिरुद्ध से कहेगी कि क्या वो अनिरुद्ध को तिलक लगा सकती है, और अनिरुद्ध ना तो नहीं कहेगा ऑब्वियसली, और फिर अनिरुद्ध भी झनक को या फिर कहे नूतन को तिलक लगाएगा। दोनों एक दूसरे को प्रसाद देंगे और अनिरुद्ध झनक से यानी नूतन से कहेगा कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। पहले तो नूतन मना करेगी, पर बाद में हाँ भी कर देगी। देखना ये होगा कि मेकर्स इस कहानी को कहाँ और किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं।